पूरी कर ले, जाना नहीं पिंड पर यहाँ पे, चाहे कंकर मिले चाहे पत्थर मिले चाहे कुछ भी ना मिले, आना पैक कर लिया जो मिले। हाँ जो मिले भगवती तेरी, तेरे साथ काली चल रही, मैंने तेरे कुछ दिन साफ बनाया था, उसको सुथरी कर ले, साफ करे टाइम लगता है बेटे, ये चीजें देवी देवताओं के काम है, ये कुछ नहीं होते, भूत प्रेत के साथ ही कुछ जाके दर्द लगा देते, बाकी नहीं होता, बाकी जल्दी नहीं होता। अच्छा सामान तुम लाए तुम सब? नहीं कर सकते तो घर पे रूटीन बनाओ अपना, कि किसी भी मंदिर जाओ, तो फिर एक दिन थाम लो कि आज शनिवार है तो हमको जाना ही जाना है, हमें इसका भोग प्रसाद चूड़ी श्रृंगार लेकर के जाना है, फिर भी किसी दिन झोली भरेगी। जिसने बाबा का करना है वो बाबा के लिए सोमवार जाओ, रोज जाओ। आपको पता है सुबह आते तो यहाँ पे हमने मम्मा का यार रोटी कितना टाइम लगते, लंच डिनर ब्रेकफास्ट ठीक है, मंदिर साफ होगा तो हमको तो हम नहीं दे रहे, हम भी दे रहे, तो सब पहले ब्रेकफास्ट आएगा, पहले तो सबसे पहले चाय आएगी, अगर हम चाय पियेंगे तो यहाँ दूध आएगा ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट आएगा, फिर वो आएगा, फिर जब हम इतने प्यार से किसी को, फिर हमारे काम के लिए हम पे आज कैसे आने देंगे? तुम करोगे भी नहीं कुछ, दोगे भी नहीं कुछ, सुखी पूजा करते रहते हो भाई तुम लोग, लगे रहेंगे मैं फलाना मंत्र करती हूँ, मैं फलाना मंत्र करती हूँ, मैं फलाना मंत्र, ऐसे नहीं होते मंत्र से, इधर भोग भी रखना पड़ता है। अगर आप कान्हा जी को भी करो तो कान्हा जी को नलाना धलाना सुलाना उठाना और उनका खाना पीना भी करना पड़ता है, कभी रख दिए कान्हा जी खाली झूले मारे हुए, तो ऐसा नहीं चलता काम धंधा। देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अगर कोई बोलती मैं काली पूज रही हूँ, मैं माता को फलानी को पूज रही हूँ, मैं ढिंकी को पूज रही हूँ, नारियल नहीं देना, एक नारियल ही सोच लो कि मैं उसको हर शनिवार को तोड़ के देना, किसी चीज पर तो टिकाओ ना, भोग देना बहुत जरूरी है। देखो भी जो भी भक्ति करते हैं, चाहे आप भी बैठे पीछे, चाहे कोई भी बैठे, जिसने भी रखे हैं भगवान, जिसने भी रखे हैं ठाकुर, भूखे पेट कोई नहीं तुम्हारा काम करेगा, मैंने बात बता दी। आप चाहे थोड़ा सा लगाओ, आप चाय पी रहे तो उनको दूध लाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मिश्री पर मनाओ, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नारियल पर मनाओ, अगर तुम चाहें कि भी ऐसे हो, पर हमारे दरबार में तो शक्तियां काम करती करती हैं, और तुम इसका भोग ही नहीं देते, भोग के लिए भी हमने बोला है तब जाके, इसको भी सोचते हैं लोग कि इतनी बड़ी बीमारी है, तुम मौत के मुंह में है ठीक है, पीजीआई में तुम्हारा लाखों लाखों रुपया लग रहा, कोई डायलिसिस हो रहे, कोई कुछ हो रहे, यहाँ पर दरबार में माँ भगवती ने कैंसर तक भी ठीक किए हैं, है ना, तो दरबार में तो जुड़ते ही नहीं है, फिर हम कह देते हैं भैया चलो हम अभी काम कर देते हैं ठीक है, जब ठीक हो जाए तो अरदास लाना, अगर नहीं लाएंगे तो दोबारा नहीं देखा जाएगा, तो दोबारा नहीं देखा जाएगा ठीक है, एक बार का तो मौका। अब ये लड़का आ रहा है बोल रहा है मेरे को दिक्कत है, मेरे को समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमने कहा ठीक है भगवती तेरे को नौकरी लगाएगी, तेरे काम खोलेगी, कल को तेरी लग जाती है तो अभी तू खाली आ जाएगा, तब तो अभी दोबारा नहीं हम करेंगे, हम फिर बोलेंगे तुझको दिया माने भाई तू अब इसका कर, यही अरदास चढ़ती है दरबार में, और कुछ नहीं लिया जाता, और कोई डिमांड नहीं होती है कि भाई जो नहीं करते उनको बोलते हैं तुम्हारा इतना बड़ा काम है इतनी देर लगेगी इस काम में, भाई इसका इतना दो, वो भी हम अननोन के लिए भी हाँ करो, नहीं तो संगत में बराबर ही करा जा रहा सबको ठीक है ना। और कढ़ाई तो ये है कि हलवा अब बनाना बाहर बनाएगा, आज नहीं बनाया कि चढ़ा ना, ए चढ़ा तो ए चढ़ करके बन करके इनको दिया जाता है, अंगारी में देना पड़ेगा बाद में, लड़के का भी बाद में देंगे, अब इसका काम करेंगे तो तब ही होगा। तो इसका इसे देव कहीं बेटे कहीं दिखाया नहीं, और कहीं पहले देव देवी देवते को दिखाया नहीं, कहीं नहीं दिखाया कभी देवी, वो तो यहीं से आपसे मतलब नहीं ऐसे नहीं दिखाया कहीं कभी, और देवी देवते के पास जाकर के नहीं दिखाया, ये वाली प्रॉब्लम नहीं दिखाई, डॉक्टर को दिखाई सर ठीक नहीं बोल रहे, डॉक्टर क्या बोल रहे ठीक तो नहीं आ रही ना, वो तो मुझे पता है बोला क्या आप डॉक्टर ने, दवाई खानी पड़ेगी, दवाई तो बेटे लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, पर दवाई खा के भी तू बचे तब है ना, बचना है ना, ठीक होना है ना, तो कितने परसेंट बोला उन्होंने किडनियां खराब है, क्या बोला, टाइम लगेगा ना, इन्फेक्शन है किडनियों में ठीक है, डॉक्टर पूरी बात बोलते भी नहीं, तो समस्या तो है बेटे, ऐसी बात नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या गंभीर है ठीक है ना, तो अभी कर देते हैं, तुझको क्या पेन होती है किडनियों में, पेन होती है बहुत जोर से, पीछे को भी दर्द उठती है, तड़कता है दर्द से बहुत,
कभी ज्यादा फील करी तो पेन किलर लेता है फिर नहीं दवाई नहीं लेता शैन का लेता दादू स्टोन तो नहीं बताया स्टोन दिया है ना फिर स्टोन के लिए क्या किया स्टोन के लिए दवाई दी थी पर उससे फर्क नहीं अब लगने लगेगी दवाई इसके बाद ठीक है दर्द भी कम होएगी अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी तुझको कि क्या क्या समस्या तब तब करके आंटी बोल रही है हमको पता होता क्या क्या समस्या होती है ना पर हम बोलते नहीं है हम तो भैया करी गाल करते हैं चलो हमारे फैमिली मेंबर जो जैसा बच्चा इनका वैसा बच्चा हमारा ठीक है तो हमारे घरेलू रिश्ते हैं समझ लो लेकिन अब अगर आगे आगे जनता के संकट काटने ना बेटे जैसे कोई किसी का संकट काटना तो हम हमारे पर भी तकलीफ आती है आता है वो कुछ कष्ट अपने पर भी ठीक है सारी दुनिया का नहीं हम इस तरह करते चिंता ना करें ठीक हो जाएगा ठीक है रोज होती है दर्द की कभी कभी होती है तीन चार दिन से रात रात को रात रात को रही तीन चार दिन से तो आजकल तो होगी तो तेरे को समस्या ही है बच्चे अभी हम कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे अगर मैं ठीक नहीं कर सकती ना तो मैं जवाब दे देती हूँ मैं कहती हूँ मेडिकल प्रॉब्लम है डॉक्टर को दिखाओ जब मुझको लगता कि ठीक हो तो भगवती भी कह देती कि हाँ ठीक हो तब भी मैं बुलाती मैं नहीं बुलाती ऐसे कल को हमको जवाबदारी देनी होती है ना अगर आराम नहीं लगेगा तो कौन आएगा बेइज्जती होती है फिर का फिर कोई नहीं आता दरबार में ठीक है अगर आराम होता है तब ऐसे आती है अरदास से अब मैं कह रही माँ भी हमारी ठीक ठाक है फॉर्म के काम जल्दी करती है तो हम अगर कम भी लालच करें ना कहते कि देवी देवता नहीं करते देवी देवता करते हैं इनके भोग होते हैं कोई भी देवी होती है ना बकरा क्यों देखती है हमारे देवी देवता फालतू का पैसा किसी के पास नहीं है ठीक भी है ठीक होकर के आपको लाना है काम धंधा जब चल जाता है जरूर करना है उससे देखना आप एक अरदास देना और उसके बाद आपके देखना कैसे न्यापे लगेंगे है ना रंग बदल जाते हैं इसके लिए तंदुरुस्ती नहीं करनी चाहिए जब माँ के लिए खरीदने जाते हो संग श्रृंगार कर सोच सोच करके लाते हैं क्या तुम कपड़ा नहीं खाते क्या तुम सब कुछ ऊपर से नीचे तक सारा उसका सोचना पड़ता है ठीक है तो ऐसे ऐसे करते हैं अब बोलो जी अब बोलो तू बोलो तो बहुत कम है नहीं आई तो किस कोई कहीं गई है कोई कहीं गई है तो हमने सोचा आज संग जाए तब भी आप इतने लोग आ गए तो थोड़े मायने सोचो देखा करो आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ हो रहा है तो देख ही रहा है यूट्यूब में पहले जब आया था फिर बंद हो गया ना फिर दोबारा होने लग गया ऐसे कि पहले पहले से ही ऐसे मुझको मैसेज कर दिया करती माँ इसका क्योंकि तो फिर
दुश्मन तो आपका जब तक आपको चैन समझा नहीं देता, अपने बंदे पक्के कर लेकिन अभी भी ग्रंथ लगता है।